राधे राधे दोस्तों, कुकुबित उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी मूंग दाल पैनकेक बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, हेल्दी नाश्ता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल पैनकेक बनाने के लिए हमने 1 कप मूंग दाल को अच्छे से धो के 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि दाल फूल गई है। अब हम इसका पानी हटा देंगे। मिक्सर जार लेंगे, भिगोई हुई मूंग दाल डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कट करके डालेंगे, 2 हरी मिर्च कट करके डालेंगे, 2 चम्मच पानी डालेंगे, पीस के इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। मूंग दाल का फाइन पेस्ट बनके तैयार है, इसे कंटेनर में डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे, 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 सैशे इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। इनो के ऊपर 1 चम्मच पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर बनके तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। गैस पे पैन रखेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को फैला देंगे। पैन में 2 बड़े चम्मच बैटर डालेंगे, फैला देंगे। किनारों को बराबर करेंगे। लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये ऊपर से ड्राई हो गया है। थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अब हम इसे पलटेंगे, ढक्कन रखेंगे, पैन को पलटेंगे, पैन को वापस गैस पे रखेंगे और नाश्ता को पैन में डाल देंगे। दूसरी तरफ भी लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, पैन केक दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। सेम प्रोसेस से बचे हुए बैटर से पैन केक बनाएंगे। अब हम पैन केक को कट करेंगे। आप देख सकते हैं कि पैन केक कितना टेस्टी लग रहा है, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी है। तो लीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल पैनकेक बनके तैयार है। आप इसे टमाटो केचप, हरे धनिया की चटनी या फिर अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।